नमस्कार, इलेक्शन फुल ऑन आप देख रहे हैं। हरियाणा में इसी महीने चुनाव होने हैं, इसके चलते सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। सत्ताधारी बीजेपी आक्रामक अंदाज में प्रचार कर रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आपसी फूट से ही उबर नहीं पा रही। टिकटों को लेकर खींचातानी दफ्तर से लेकर सड़क तक नजर आई, और पिछले कई दिनों से बागी तेवर अपनाए हुए अशोक तंवर ने जब इस्तीफे का ऐलान किया तो सियासी पारा और चढ़ाने का काम किया। अशोक तंवर के इस्तीफे के बाद बदले हुए सियासी हालात को आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। शुरुआत इलेक्शन फुल ऑन की। तो बता दें आपको खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह सियासी हलचल आज घमासान होता नजर आया। अशोक तंवर जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो सामने आए। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने इस्तीफे का पहले ऐलान किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस के दूसरे नेताओं पर जमकर निशाना साधा। कि हमारे साथी जिन्होंने 5 साल मेहनत करी उनके साथ न्याय होगा, और इसीलिए आखिरी उस समय तक मैं इंतजार करता रहा। मैं परसों भी ये फैसला करना चाहता था लेकिन फिर मन नहीं माना, लेकिन और जब आत्मचिंतन किया, मंथन किया, सोचा समझा परिस्थिति को, हालात को, तो इसी निष्कर्ष पर मैं पहुंचा कि आज बड़े दुख के साथ मुझे कांग्रेस पार्टी ये छोड़नी पड़ रही है। और मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं। और वो लोग ये कहते हैं बहुत बड़े नेता हैं, तो आज 5 तारीख होगी, 24 को नतीजे आएंगे, 20 दिन के बाद कितने बड़े नेता हैं वो हरियाणा के, चाहे उनके पास लाखों करोड़ रुपया हो, चाहे उनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य हो, बहुत बड़ी सेना हो, हम भी देखेंगे कि कितने बड़े नेता वो हैं। तो इलेक्शन मोड में है हरियाणा, और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इस समय आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, एक के बाद एक लगातार खींचतान, और आखिरकार अशोक तंवर ने दिया इस्तीफा। बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की, और सुजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ इनपुट एडिटर सुजीत जी। तंवर के भंवर में कांग्रेस, और कह सकते हैं बहुत बड़ा डैमेज, और ये होना ही था शायद। देखिए बिल्कुल, अशोक तंवर जिस तरीके से पहले दिन जब उनको हटाया गया, उसके बाद ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बनने की शुभकामना दी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी लीडर। लेकिन उसी समय उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि जितना उनको सहयोग पार्टी उन लोगों ने दिया है, उतना ही सहयोग उनकी ओर से रहेगा। तो मैसेज साफ था कि हमारे साथ अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके विधायकों, जो उनके समर्थक विधायक माने जाते हैं, हालांकि जीते तो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर थे, लेकिन माने जाते हैं कि वो उनके समर्थक ज़्यादा थे, और वो जो हुड्डा कहते थे वही उनके विधायक करते थे, और कभी भी जो है अशोक तंवर अपने दम पर या अपनी कॉल पर विधायकों की बैठक तक नहीं बुला पाए। तो उनका मैसेज उसी दिन साफ था कि जितना सहयोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके गुट की ओर से उनको मिला है, उतना ही वो सहयोग करेंगे। मैसेज साफ था कि अगर हमारे साथ असहयोग किया है इन लोगों ने, और लगातार हम, उनका दावा है कि वो पार्टी के लिए काम करते रहे, पार्टी को खड़ा करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनकी ओर से असहयोग किया जा रहा था। तंवर का जो आरोप है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रहे, और फिर उन्हीं को कमान दे दी गई। तो अब तंवर के पास कोई विकल्प नहीं था। तंवर कांग्रेस पार्टी के साथ चल भी सकते थे, लेकिन जिस तरीके से टिकट वितरण हो रहा था, टिकट वितरण में उन्होंने कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की। मधुसूदन मिस्त्री से मिले और 80 नामों की लिस्ट दी, और उनसे आग्रह किया कि इन नामों पर विचार किया जाए, और जब टिकट वितरण अंतिम चरण में चल रहा था, तब उन्होंने, उनको लगा कि वो शायद उनकी नहीं चल रही है, और उनके जो समर्थक हैं या जो उनके साथ जुड़कर पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उनको जो है टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो वो अपने समर्थकों के साथ 10 जनपद सोनिया गांधी के आवास पर और कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड के पास विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर पड़े। यहाँ तक कि लोगों को अपील की वॉइस मैसेज के जरिए कि आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुँचे,
तो उन्होंने पहले दिन विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज उठाने की कोशिश की और अपनी जो कह सकते हैं कि दबाव भी बनाने की कोशिश की, अपनी नाराजगी भी खुलकर व्यक्त की। लेकिन जब रात में सूची आई उम्मीदवारों की, तो उसमें ज़्यादातर जो उम्मीदवार बने, सबसे ज़्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, जो पहले से जो माने जाते थे कि वो उनके करीबी हैं या उनकी बात मानते हैं या उनके गुट के हैं, उनको तवज्जो मिली। दूसरे नंबर पर कुमारी शैलजा के लोग जो उनके साथ जुड़े रहे हैं, उनको मिला। इसी तरीके से कुछ सीटों पर कुलदीप बिश्नोई, कुछ सीटों पर किरण चौधरी, तो इन लोगों के अपने अपने गुट जो थे उनको तवज्जो मिल गई। लेकिन तंवर जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनके जो लोग थे, भले ही कई विधानसभा क्षेत्रों में वो बहुत मजबूत स्थिति में थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अगले ही दिन उन्होंने, जिस दिन सूची घोषित हुई रात में, अगले दिन दिन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सभी पदों से, पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। गंभीर आरोप लगाए और ये भी कहा कि वो पार्टी में ही बने रहेंगे और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे रहे। लेकिन आज उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और पार्टी को भी अलविदा कह दिया। तो कह सकते हैं कि अशोक तंवर अब चुनौती देते दिख रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी में उनकी अनदेखी की गई, कमान भले ही उनके हाथ में थी लेकिन नेताओं का सहयोग नहीं मिला, और जब टिकट बंटवारे की बारी आई तो दूसरे लोगों के हाथ में कमान चली गई और टिकट वितरण में उनकी अनदेखी की गई, उनके समर्थकों की अनदेखी की गई। तो अब वो कह रहे हैं कि अब देखते हैं कि अगर उनके हाथ में कमान है तो वो दिखाएं कि वो कितनी सीटें जीत कर आते हैं, और या फिर वो क्या कमाल दिखा, चाहे उनके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। उन्होंने इस पर जोर दिया कि चाहे लाखों करोड़ रुपए हों उनके पास, अब देखना होगा कि वो 24 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो साबित होगा कि वो कितने बड़े नेता हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर उन्होंने कई बातें की और एक उन्होंने कोट भी किया सुजीत जी कि कुछ लोग, बड़े लोग जो केयर नहीं करते हरियाणा की, ढाई साल में हरियाणा में झांका तक नहीं उन्होंने, ग्रास रूट लीडरशिप से डिस्कनेक्टेड है, उनका साफ निशाना क्या गुलाम नबी आजाद पर था? देखिए, गुलाम नबी आजाद कह सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद वहां के प्रभारी हैं, हरियाणा के प्रभारी बनाए गए हैं, उनसे ज़्यादा उन पर निशाना भी हो सकता है उनका। और दूसरा, सबसे ज़्यादा उनके निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सीएलपी लीडर कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। उनका मानना है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनाना था और इस तरह से उनको ही कमान देनी थी, तो क्यों 5 साल तक वो जमीन पर संघर्ष करते रहे। और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि लोग विदेशों में सारे समय विदेशों में रहते हैं और जब चुनाव का वक्त आ जाता है तो फिर जमीन पर आ जाते हैं कुछ समय के लिए, हरियाणा आ जाते हैं कुछ, तो ये अपनी पार्टी के नेताओं के लिए अगर इस तरीके की कह सकते हैं विरोधी रुख अगर तंवर अपना आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे उन्होंने खुद ये बात कही कि वो एक दलित के नेता के तौर पर उनको वहाँ पर पेश किया गया था और उसको भुनाने की भी कोशिश की गई। तो अब विधानसभा चुनाव जब चरम पर है और नामांकन कल एक दिन पहले तक दाखिल हो चुके हैं, अब चुनाव प्रचार में पार्टी हो या उम्मीदवार हो या स्टार प्रचारक हो, सबको जाना है। ऐसे समय में तंवर पार्टी को छोड़ देते हैं और खुद को दलित नेता साबित करते हैं, तो कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आज इतने तीखे तेवर में थे अशोक तंवर, सुजीत जी, जब उनसे पूछा गया कि विधानसभा इलेक्शंस हैं, आपकी भूमिका क्या रहेगी, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मैं दो ही काम करूंगा, मरोड़ निकालूंगा और जिनके गले में सरिया अटकी हुई है सरिया निकालूंगा, बाकी काम खुद ब खुद हो जाएगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। मैंने पहले भी कहा ये बात कि उन्होंने पहले दिन ही मैसेज दे दिया था कि जितना उनको सहयोग मिला है उतना ही सहयोग करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं सहयोग शब्द उनका जो है, अब दिख रहा है कि वो किस तरीके का सहयोग करने की बात कर रहे थे। उस अब चुनाव से ठीक पहले हर रोज आप देखेंगे कि रोज कांग्रेस पार्टी इस वजह से चर्चा में नहीं है
कि वो चुनाव कैसे जीतेगी या उसके नेता क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या एजेंडा ले जा रहे हैं, कैसे जो है बीजेपी को घेरेंगे, किस तरीके से पार्टी को जो विपक्ष में है उसको सत्ता में लाएंगे, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। पिछले 3-4 दिनों से सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि अशोक तंवर आज का क्या कर रहे हैं। आज कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, पार्टी को जितना सुना सकते थे, जितनी आलोचना कर सकते थे पार्टी नेताओं की, पार्टी के लोगों की, उतना किया। अगले ही दिन आपने देखा कि उन्होंने सभी पदों से उसकी चर्चा रही, आज उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। तो चर्चा इस बात की हो रही है, और सही उन्होंने कहा है कि वो मरोड़ निकालेंगे, तो वो उस दिशा में चल पड़े हैं और 3 दिन से लगातार वो मरोड़ निकालने का काम कर रहे हैं। तो लगता नहीं, अगर अशोक तंवर के यही तेवर रहे तो पूरे चुनाव कांग्रेस की नीतियों या कांग्रेस के एजेंडे पर चर्चा होने, या उम्मीदवारों में कितना दम है, उम्मीदवार कहां कहां जीत सकते हैं और पार्टी कहां कहां जोर लगा रही है चुनाव जीतने के लिए या बीजेपी सत्ता में आने के लिए और क्या कर रही है, उसकी चर्चा के बजाय अब लगता है कि अशोक तंवर से ही निपटना कांग्रेस के लिए चुनौती हो गया है और सत्ताधारी दल बीजेपी से तो बाद में निपटेंगे। देवेंद्र कथूरिया भी हमारे से जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ पानीपत से, और वीरेंद्र सोनी साहब वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का बहुत स्वागत। सीधा आपके पास आते देवेंद्र, जैसा कि सुजीत जी बोल रहे हैं, चर्चा इस बात की नहीं है कि कांग्रेस किस तरह से इलेक्शन मोड में आगे बढ़ रही है, चर्चा इस बात पर है कि खींचतान और कहां तक पहुंचेगी। खुलकर चुनौती दी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक तंवर ने कांग्रेस को। देखिए पूजा, अशोक तंवर के इस्तीफे को हालांकि बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है। जो लोग चुनाव मैदान में उतर चुके हैं उनको भी थोड़ा सा डर होगा कि शायद पार्टी से कमजोर होगी, गुटबाजी होगी। लेकिन कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि ये रोज की कित-कित थी। अशोक तंवर जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, टिकटों को बेचने के आरोप लगा रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा पर चुन चुन कर हमले कर रहे थे, तो कुछ लोगों को लगता था ये आपसी लड़ाई थम जाएगी और सारा ध्यान अब चुनाव पर होगा। कुछ लोगों के जरूर है कि भाई इससे पार्टी कमजोर हो गई, अशोक तंवर अगर छोड़ जाते हैं तो उनके साथ कुछ लोग और भी छोड़ जाएंगे जो उनका समर्थक है। लेकिन अभी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अशोक तंवर के समर्थक है उनमें कितने लोग कांग्रेस छोड़ सकते हैं, कितने जा सकते हैं, उनमें मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अशोक तंवर कहाँ जा सकते हैं। अब सवाल ये भी है, जो लोग हमने देखा जैसे कोई नेता, बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो उनके समर्थक सारे पार्टी छोड़ेंगे ये बात नहीं है। हम पानीपत की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की जैसी चर्चा थी कि भूपेंद्र हुड्डा नई पार्टी बना रहे, जब रोहतक में इन्होंने एक रैली की थी उसमें, यहाँ पानीपत के बुल्ले शाह बहुत बड़े नेता है तो उन्होंने खुलकर कह दिया था कि भूपेंद्र हुड्डा नई पार्टी बनाते तो मैं उनके साथ नहीं हूँ, ना वो रोहतक रैली में गए थे। तो उस तरह से कई लोग लेते हैं कि अगर नेता पार्टी छोड़ दे तो हम भी छोड़ेंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना भविष्य देखते हैं। फिलहाल ये है कि अशोक तंवर ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं बहुत गंभीर आरोप हैं और सीधे सीधे छाती पर मतलब तीर की तरह चुभने वाले आरोप हैं। तो अब अशोक तंवर चूंकि कांग्रेस छोड़ चुके हैं, देखना यह है कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या नजर आते हैं। लेकिन मेरे को लगता है जो लोग चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, जिनका पूरा ध्यान चुनाव पे है, उनको अपने भविष्य के चुनाव जीतना है, बड़ा काम उन्होंने हाथ में लिया हुआ है, तो इसको पार्टी में घटना समझकर उसको भूल जाना चाहिए उनको, और शायद ऐसा करेंगे भी सही। और बड़े नेता भी अब पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा की साख भी दांव पर है अशोक तंवर की इस्तीफे के बाद। अब चूंकि शैलजा उतनी राजनीति में उतनी हम नहीं कह सकते कि उतनी डेप्थ में जाती है जितना भूपेंद्र हुड्डा, बहुत क्लेवर टाइप के पॉलिटिशियन है, तो अब भूपेंद्र हुड्डा की साख भी दांव पर है। अगर वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाए पार्टी को तो उनका भविष्य भी अब इन चुनाव के बाद उनको भी कांग्रेस शायद झेलने को तैयार नहीं रहेगी। वीरेंद्र जी, क्या ये तय था कि अगर हुड्डा की बात नहीं मानी जाती, प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते अगर बदलाव नहीं होता तो या तो हुड्डा छोड़ते, और अगर हुड्डा की बात मान ली गई तो ये भी तय था क्या तंवर छोड़ देते या इस्तीफा दे देते? देखिए, ये जो स्थिति पैदा हुई है इसके लिए कांग्रेस हाईकमान ही काफी हद तक दोषी है। ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कांग्रेस को इसका बहुत पहले हल निकालना चाहिए था। कांग्रेस के सामने ये संकट पहले से ही नजर आ रहा था। अब जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कोई अधिक करिश्मा कर पाएंगे इसमें संदेह है। अब जो कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है, देखिए अशोक तंवर ने वही मार्केट अलवा ने जो कर्नाटक के चुनाव के समय जो उदाहरण दिया था वही स्थिति दोहराई है। मार्केट अलवा ने भी वहां कांग्रेस मुख्यालय के सामने इस तरह जब टिकटों के वितरण को लेकर अपना रोष जाहिर किया था, अशोक तंवर ने भी इस तरह का प्रदर्शन किया। तो अशोक तंवर की भूमिका पहले से ही तय लग रही थी। देखिए वो बार बार कह रहे थे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से भी ऑफर आ रही थी, दूसरे दलों से भी ऑफर आ रही थी, तो उनको सम्मान को ठेस पहुंची। जिस तरह उनको हटाया गया तो उनके सम्मान को ठेस पहुंची।
फिर टिकटों के वितरण में, देखिए टिकटों के वितरण को लेकर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, हर एक की प्राथमिकता अलग अलग हो सकती है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने यह सोचा था कि अशोक तंवर को हटाने के बाद दलित चेहरा के रूप में कुमारी शैलजा के नाम पर सहमति बन जाएगी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस तरह विधायक दल का नेता बनाया गया तो अशोक तंवर को लगा कि उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास हुआ है, तो अशोक तंवर की जो भावना है वो होती चले गई, वो किसी ना किसी रूप में, हालांकि देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे उन्होंने आक्षेप नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना ये कहा है कि राहुल गांधी की टीम को ये किनारे किया जा रहा है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो इसका मतलब है कांग्रेस में जो फूट है, कांग्रेस की कहां तक तह तक जा रही है, वो राहुल गांधी के समर्थकों को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की बात करके अशोक तंवर ने कांग्रेस के अंदर जो उथल पुथल होने वाली है उसकी ओर भी संकेत किया है, लेकिन कांग्रेस के दिन आने वाले दिन और भी गंभीर होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का बहुत लंबा समय जो है आपकी फूट में ही गुजर गया, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवारों का चयन भी हुआ है उसको लेकर भी अभी कार्यकर्ताओं में भी बड़ा ज्यादा उत्साह नहीं है। कार्यकर्ता कहते हैं पहले ऊपर के नेता अपना ही मतभेद हल कर लें, पहले आप अपनी लड़ाई लड़ लें, उसके बाद हम देखेंगे। तो मतलब कार्यकर्ता हताश और निराश है, और इस समय जो कांग्रेस की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की स्थिति में वो अपने आप को कांग्रेस बहुत कमजोर है, और इसलिए अब जो चुनाव परिणाम भी आएंगे तो कांग्रेस को कोई अधिक लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन अशोक तंवर ने जो कांग्रेस का नुकसान किया है, नुकसान इसलिए कहा जा सकता है कि इस समय जबकि जो कांग्रेस की ऊर्जा है चुनाव के समय में लगनी चाहिए थी, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ना चाहिए था, लेकिन अब कार्यकर्ता हताश और निराश है। अशोक तंवर के आरोपों से निश्चित रूप से इससे ठेस लगी है, और जनता में किस मुंह से जाएंगे अब कांग्रेस के नेता, अगर वोट मांगेंगे तो कहेंगे कि आपके शीर्ष नेतृत्व तो कोई इतना ज्यादा उसकी विश्वसनीयता और साख है नहीं, वो जनता में आप किस तरह का सुशासन दे पाएंगे, तो सुशासन के मामले में भी और कांग्रेस के अपने स्तर पर भी। लेकिन ये जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए कांग्रेस हाईकमान ही दोषी है, कांग्रेस हाईकमान को बहुत पहले ही निर्णय कर लेना चाहिए था, अगर अशोक तंवर को हटाना था बहुत पहले हटा देना चाहिए था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तब फ्री हैंड दिया जाता तो आज कांग्रेस कहीं कहीं और खड़ी होती, उस समय कांग्रेस हाईकमान को समझ में नहीं आया, और आज इसमें जो स्थिति दिखाई दे रही है बदलाव के बाद, जब ये बदलाव हुए, जब ये बदलाव हुए तो खुद गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि जो बदलाव हुआ है काफी देर बाद हो रहा है, पहले हो जाना चाहिए था। सुजीत जी, जैसा कि वीरेंद्र जी बोल रहे हैं कि सीधे सीधे स्थिति की जिम्मेदार आला कमान है, और अगर सिचुएशन पहले होती, दो तीन साल से लगातार हम खींचतान देख रहे हैं, अगर पहले ही मामला सॉर्ट आउट हो चुका होता, बदलाव जो होना था हो चुका होता, तो शायद आज बेहतर स्थिति में होती कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस ने कभी इस झगड़े को शांत करने की कोशिश ही नहीं की। अशोक तंवर लगातार कोशिश करते रहे कि पार्टी उनकी सुने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, भले ही उनको जब लाठियों से भी पीटा गया था उस समय भी कुछ नहीं हुआ, और हुड्डा गुट लगातार अशोक तंवर के खिलाफ मुहिम चला रहा था, उनके हटाने की बात कर रहा था, और तंवर उनके खिलाफ लगातार बोल रहे थे, लेकिन पार्टी ने कभी ये कोशिश नहीं की कि दोनों पक्षों को बैठाकर या दोनों पक्षों के जो मुद्दे हैं उसको कैसे समाधान निकाला जा सकता है, उसकी ओर कोशिश नहीं किया। आपने देखा होगा कि लगातार जब मेयर के चुनाव हो रहे थे तो अशोक तंवर पार्टी अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से वो बार बार कह रहे थे कि सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन पूरे हरियाणा में कार्यकर्ताओं में मीडिया में सब जगह अशोक तंवर ये बोल चुके थे कि सिंबल पर चुनाव, लेकिन बाद में फैसला हो जाता कि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये कष्ट अशोक तंवर को है, और वो लगातार आपने देखा होगा कि जिला अध्यक्ष बनाने की बात होती थी, सूची तैयार होती थी, फिर वो सारा ठंडे बस्ते में चला जाता था, ब्लॉक अध्यक्ष बनाते थे, तय होता था कि अब जारी होगी सूची, वो ठंडे बस्ते, तो इस बात कभी का भी, में कब, किया भी उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने इसका जिक्र भी किया, और कभी भी आला कमान जो सोनी जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि कभी भी इसको सुलझाने की कोशिश नहीं की, और यही वजह है कि अगर सुलझाने की तरफ बढ़े भी तो सीधा एक्शन उन्होंने ले लिया, और एक्शन वही लिया जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले कह रहे थे, अगर वही पार्टी को करना था तो चुनाव से ठीक पहले की बजाय और पहले कर देते, कम से कम स्थिति तो ये ना होती आज जो बनी हुई है चुनाव से ठीक पहले, और हो सकता है कि पार्टी की स्थिति भी, अगर पार्टी को अब लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा वहां पर उनकी उनका प्रभाव है हरियाणा में, तो उनको ये कदम पहले ही उठाना चाहिए था, अगर ये कदम पहले उठा लेते तो हो सकता है अशोक तंवर की जितनी बड़ी नाराजगी है और चुनाव से ठीक पहले उनकी नाराजगी दिख रही तो पार्टी को उतना नुकसान भी ना होता, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर पार्टी अब मान रही कि वो मजबूत हैं तो उस समय अगर उनको कमान दे देते तो और भी मजबूत हो जाती। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पार्टी ही अभी नुकसान में है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आला कमान ही जिम्मेदार है। ये बात
गए हैं चुनाव में, और चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका अशोक तंवर का इस्तीफा, और साफ कह दिया है विधानसभा चुनाव में सबकी मरोड़ निकालूंगा, बाकी काम खुद ब खुद हो जाएगा। इस वाक्य के अपने बहुत बड़े मायने।